तो स्वागत है भाई आप सभी लोग का एक नई वीडियो में। पता नहीं वीडियो बन भी पाएगी या नहीं बन पाएगी, क्योंकि एक सिटी में हूँ मैं जिसका नाम है चोंगकिंग चाइना में। इसको कहते हैं चोंगक्विंग, चोंगकिंग, पता नहीं क्या कहते हैं, चोंगक्विंग। तो इसको कहते हैं चाइना की सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिटी। कल हम एक जगह गए थे जहाँ पे मतलब ट्रेन बिल्डिंग के अंदर जाती है। फिर मैं इस सिटी का ना ये दिखाना चाहता था वीडियो में कि इस सिटी को सबसे ज़्यादा डेवलप्ड क्यों कहते हैं। पर यार मतलब मेरे को ऐसा कुछ खास और सिटीज से दिखा नहीं कि शेंजन भी हो गई, मैं बीजिंग भी गया हूँ, कि ये सिटी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड क्यों। बिल्डिंग बिल्डिंग तो दिख रही है मेरे को हर जगह, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो सारा ही बेहतरीन है जैसा और चाइना में है। पर और कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि मतलब मैं इसको सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिटी किस हिसाब से कह दूँ। तो अभी हम जा रहे हैं चोंगकिंग के सिटी सेंटर में, जिसको कहते हैं बहुत अच्छा सिटी सेंटर है, लाइटिंग वाइटिंग वहाँ पर रात को सही हो जाती है। तो हम इतने सुबह सुबह नहीं निकल रहे, अभी शाम के 5:15 हो चुके हैं, रेस्ट ही कर रहे थे आज। अभिषेक तो अभी भी रेस्ट ही कर रहा है, वो आया ही नहीं, अभी ही आया हमारे साथ। तो चलते हैं सिटी सेंटर और देखते हैं कैसा क्या है चोंगकिंग का सिटी सेंटर। यहाँ टैक्सी है, टैक्सी बड़ी सस्ती है यार। मेरे को आते वक्त मेट्रो में एक मतलब ब्रांड के लिए चीज़ भी शूट करनी है, तो आते वक्त मेट्रो में भी दिखा दूंगा आपको चोंगकिंग की मेट्रो कैसी है। अभी तो टैक्सी में ही चलते हैं भाई। यहाँ का टैक्सी का सिस्टम ये होता है, शेंजन में भी ऐसी टैक्सी थी बिल्कुल, पर उनकी थी इलेक्ट्रिक, पूरा बड़ा स्क्रीन लगा होता था। यहाँ पे थोड़े ऐसे पुराने जमाने की है, तो इसकी ना पर्ची सी निकल जाती है जैसे कोई बंदा बैठता है ना, जैसे हम बैठ गए, पिछले वाले बंदे का 17 बिल था, उससे पिछले वाले का 12 बिल था, उससे पिछले वाले का 49 बिल था, तो हमारा भी जैसे ही होएगा ना, अगर आपको बिल भी चाहिए तो फाड़ के दे देंगे। पर ज़्यादातर लोग लेते नहीं, तो देखो पर्ची लंबी हो गई है, इतनी लंबी निकल गई है। और ये मारुति की गाड़ी है, सुजुकी की। भाई बंदा सही है। और मारुति की गाड़ी है भाई 8-8 लाख, और एक मैंने कम से कम 4-5 गाड़ी ऐसे देख ली। ये अरे भाई अरे भाई हमको नहीं आती चाइनीज। तो मैं कह रहा था चाइना में ना मैंने सुजुकी की इतनी सारी गाड़ियां देख ली, जो सियाज वगैरह है, सियाज स्विफ्ट डिजायर, ये वो भाई 10,99,999 पे आ गए, उसका मीटर ही रुक गया, मतलब 999 हो चुका उसका मीटर रुक जाए। इस बंदे की खुद गाड़ी 7,69,000 चल चुकी है। तो गाड़ियों में अंतर नहीं होता, जैसे हम कहते हैं मारुति का तो इंजन हल्का होता है, ये हल्का होता है, वो हल्का होता है, किसी गाड़ी के इंजन में कोई दिक्कत नहीं होती भाई। दिक्कत होती है रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यहाँ पे एक खड्डा नहीं मिलता। अमेरिका से भी बढ़िया रोड लगी है मेरे को यहाँ की अभी तक, शहर की तो बिल्कुल देख लो यार, चल रही है इनकी गाड़ी 10-10 लाख किलोमीटर। अबे क्या टाइप कर रहा है भाई मेरे, इसको क्या लग रहा है मेरे को चाइनीज आती है क्या? आगो को। देखो जैसे अपने इंडिया में काफी सारी धारणाएं बनी हुई हैं कि चाइना के लोग यहाँ हमसे इंडियन से हेट करते हैं या क्या करते हैं, मतलब जो भी करते हैं, जैसे मतलब धारणाएं हमारे दिमाग में बनी हुई है। अभी इस बंदे ने पूछा कि कहाँ से हो, तो हमने बताया इंडिया से, हम खुश हो गया बंदा। फिर मेरा फोन दोबारा लिया, कहता दोबारा ऑन कर, ट्रांसलेट कर, उसने कुछ बोला अपनी चाइनीज लैंग्वेज में, फिर उसमें लिखा आया कि इंडिया जो है चाइना का फ्रेंड है, इंडिया इज ऑल्सो ए फ्रेंड ऑफ चाइना, ऐसे लिखा आया। मैंने कहा बंदा बोल रहा अपने मुंह से। तो वही होता है यार, सरकारों में भेदभाव होते हैं कहीं के ना, लोगों में भेदभाव नहीं होते। बहुत मतलब कम देश ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के लोगों से हेट करते हैं, जैसे अभी इजराइल और पैलेस्टीन वाले, उसमें भी लोगों में इतना हेट नहीं होगा, मतलब वो ये सरकारों में ही कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है। तो यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड हुई नहीं भाई, पर मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ। टैक्सी वाले को हम पैसे दे रहे थे और ये टैक्सी वाला हमको बार बार मना कर रहा है। भाई बंदे ने यार पैसे तक नहीं लिए, आजा भाई आयुष कोई नहीं। भाई मैंने आपको इतनी तारीफ करी, आप सोच रहे हो कि तक वीडियो झूठ बोल रहा है, ऐसे ही है भाई। बंदे ने होटल के बाहर से हमको ऐसी कन्विंस कर रहा कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, और हमको लग रहा कि भाई लूटेगा लूटेगा लूटेगा। भाई 10 RMB का बिल आया, और गूगल मैप पे जो लोकेशन है ना भाई, वो बिल्कुल गलत है, कहीं आप लगा के जाने लग जाओ कहीं और पहुंच जाओगे। मुश्किल से 2.5 किलोमीटर आए होंगे हम, 2 किलोमीटर ये आए होंगे, गूगल मैप पे 6 किलोमीटर दिखा रहा था, मिनिमम 10 RMB हमारा बिल बना। और भाई जब मैं पैसे निकालने लगा, लोई 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 मोए 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 मोए, पता नहीं क्या बोल, मना कर रहा था, मोए 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 मोए, मतलब मना कर रहा, नहीं नहीं लूंगा पैसे। अभिषेक ने वीडियो, अरे भाई वो आयुष ने वीडियो बनाई भाई, इतनी बार मना कर दिया बंदे ने, हम कह रहा ले ले भाई 10 RMB तो क्या ही है। एक दो बार ऐसा हुआ कि ना कुछ लोग जैसे 19 बिल बनता तो वो 20 ले लेते हैं, भाई ये बंदा तो जेन्युइन था। और भाई हमने इतनी फोर्स किया कि ले नहीं ले भाई पैसे ले भाई,
देख लो, और मतलब इंडिया के लोगों में इतनी धारणाएं बनी हुई है कि चाइना के तो लोग हेट ही करते होंगे हमसे, ऐसा बिल्कुल नहीं भाई, इंडियंस के लिए फ्री में काम करने लग रहे हैं। सोचो मैंने कई बार यहाँ पे किससे देखे हैं चाइना में, मेरे कई दोस्तों ने बताया है, पाजी भी घूम के गए थे, भी कह रहे भाई मेरे से कई बार जूस वालों ने पैसे नहीं लिए, छोटे ठेले वालों ने पैसे नहीं लिए। अरे ट्रेन में संतरे फ्री दे गया था, संतरे ट्रेन में 15 युआन के संतरे फ्री दे गया था, 45 के संतरे, 45 RMB के संतरे लिए भाई, इतने बड़े संतरे फ्री दे गया 15 RMB। तो देख लो ऐसे चलता भाई, क्या सिटी सेंटर है यार, इस पे तो पूरी वीडियो बनती है। अभी तो पूरा घूमेंगे हम भाई, चारों तरफ क्या बिल्डिंग्स हैं, और पूरा अंदर तक मार्केट घुमाऊंगा, क्या गुच्ची वगैरह, रोलेक्स वगैरह सब है ये सारा, मतलब पूरा, मतलब भाई चाइना, जो लोग एक चीज ये भी कहते हैं कि चाइना का माल घटिया आता है, वो चाइना इंडिया के हिसाब से माल भेजता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर इंडिया का बंदा उस माल पे 1 रुपया खर्च करना चाहता है, सेम चीज आपको 1 रुपये मिल जाएगी, सेम चीज आपको 10 रुपये में मिल जाएगी। भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ का चाइना का रोज का ही मेरा सिस्टम बन रखा है कि 1000 युआन में निकलवाता ही हूँ हर एक दिन में या दो दिन में, क्योंकि यहाँ पे निकल ही पता नहीं यार मेरे कार्ड से एक बार में 1000 युआन रहे हैं। तो आज भी आ गया मैं, ये ICBC बैंक से निकल जाते हैं, HSBC से भी निकल लेंगे, 1000 करे तो निकल गए, अब दोबारा 1000 करूंगा तो नहीं निकलेंगे। पैसे तो निकलवा लिए, 1000 युआन कुछ भी नहीं बनते यार, 11500 रुपये बनते हैं, बार बार निकलवाने पड़ रहे हैं। तो ये इंडिया की तरफ से मेरे को लग रहा है रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बैंक ही 1000 निकाल रहा है, किसी भी बैंक से निकल पाता हूँ ना मैं, HSBC से 1000 ही निकाले, या दूसरे बैंक पे भी जाके करता हूँ मैं तो वो 1000 निकाल देगा, फिर मैं इस बैंक पे आऊँगा ना ये 1000 निकालने से मना कर देगा, क्योंकि एक दिन की लिमिट मेरे को लग रहा है 1000 है। भाई इस बंदे को मैंने फोटो दिखाई थी कि यहाँ पे आ जाना, खुद ही गूगल पे ट्रांसलेट करके इसने बताया कि इस जगह का नाम है लिबरेशन मोन्यूमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। मतलब जैसे लिबरेशन मतलब वो होता है जब मतलब आज़ादी मिली थी, या फिर मतलब पूरा चाइना एकजुट हो गया था, उसका मतलब वो होता है, इंडिपेंडेंस वगैरह से मतलब होता है उसका, तो उसने खुद ही बता दिया था। इतनी अच्छी से बात करते हुए आया यार बंदा, मतलब ऐसा कोई बंदा निकलती मिल जाए ना कि पूरा इंटरटेनमेंट करते हुए आया, देखा ना आपने, तो दिन सा बन जाता है, और तो मैं क्या बताऊँ। चलो अब घूमते हैं स्क्वायर में। तो भाई ये है देख लो आपका स्क्वायर, चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं भाई, चारों तरफ बड़े बड़े शोरूम हैं, गुची, सेंट लॉरेंट, वहाँ पे भाई रोलेक्स, बड़े बड़े सारे बैंक्स वगैरह हैं यहाँ पे। तो हमने एंट्री करी है भाई वहाँ से हम ऐसे स्क्वायर में घुसे हैं ये है, और फिर यहाँ से ऐसे पूरा घूम के ऐसे जाएंगे वहाँ पे, और अच्छी अच्छी दुकानें थी मैंने उस वाली गली में देखा था, तो वो घूमते हैं। ये आपका हो गया भाई पूरा का पूरा 12 फ्लोर का शॉपिंग मॉल, इनमें से तो एक भी ब्रांड नहीं पता मेरे को लग रहा है सारी चाइनीज ब्रांड है या फिर इंटरनेशनल लिखी है, ये मेरे को तो इनमें से कोई नहीं पता। जीप भी लिखा है, जीप तो खैर पता है। यहाँ आ गया देखो आपका KFC भी है, यहाँ पे आपका सामने मैकडोनल्ड भी है, तो इंटरनेशनल ब्रांड सारी हैं, चाइना सबसे दोस्ती रखता है भाई, वैसे कितना भी अमेरिका से दुश्मनी कर ले क्या कर ले, बिजनेस में पीछे भाई मतलब पैसे नहीं गंवाने हैं, वैसे कितनी दोस्ती कर लो। रिसॉर्ट वगैरह, ये चाइना की 5G वगैरह सिम, भाई ये देखो कैसा स्टोर है, यहाँ लिखा वेलकम टू चोंगकुइंग, यहाँ से बाघ से निकलने लग रही है ये, यहाँ से भी ड्रैगन तो है, इनका नेशनल एनिमल है शायद, ड्रैगन के मुंह में से इसमें मछली के मुंह में पानी जा रहा है। आई मिस यू इन चोंगकिंग। भाई ये देखो पता नहीं कैसा स्टोर है, डेकोरेशन ही कर रखी है, और अंदर अच्छा सोविनियर टाइप दुकान है ये, वही पांडा वांडा के बैग मिलने लग रहे हैं, जो कल हमने खरीदे थे यहाँ पे महंगे मिलेंगे पक्का। हमने खरीदे थे वो पांडा बैग तो नहीं है, अलग तरह का पांडा है, रम रेसबेरी। नो चाइनीज। ओके ये पकड़ा दिया भाई, ले तू भी पी के देख ले, ये रम है, रम रेसबेरी लिखा है, किडनी वगैरह के लिए अच्छा होता है ये वो। अरे भाई अच्छा भाई फोटो खिंचा रही है एक, एक। इनको दे दू कैमरा। भाई इन्होंने कन्विंस कर ही लिया हमको, पता नहीं क्या है, 100 ग्राम ये ले ली हमने, 100 ग्राम ये ले ली,
सही है अपना, पानी में घोल के पीता रहूंगा, मेरा गला भी ठीक रहेगा और ये मतलब ठीक है अपना टाइम पास हो जाएगा या। तो भाई वहां से वो रम नाम था उसका, रम वम नहीं थी, वो थी चाइनीज फ्लेवर टी, मतलब किसी में रोज के पत्ते मिला रखे, किसी में कुछ है। पीने में भाई बड़ी मीठी मीठी सी थी, और वो पहले तो पता नहीं मेरे ट्रांसलेशन में दिक्कत हो गई, क्या हो गया, पहले तो बोली 30 युआन का 100 ग्राम, मैंने कहा ठीक है भाई 30 का पैक कर दे, फिर बोली 100 ग्राम का 120 युआन और 30 ग्राम हम उस पर फ्री दे देंगे। मैंने कहा ये सिस्टम नहीं है, 1200 रुपये की 100 ग्राम चाय थोड़ी ना पीऊँगा मैं, 10,000 रुपये किलो चाय हो जाएगी ये तो। हमने कहा भाई इतना नहीं कर सकते हम, ये ट्रायल के लिए ले रहे हैं हम, ऐसे ही घर वालों को थोड़ा दे देंगे पी लेंगे, इतनी महंगी चाय कैसे हजम करेंगे हम लोग, तो वैसे भी वो दूध वाली चाय पीते हैं। फिर बार्गेन करते करते 60 युआन में 150 ग्राम दिए हमको, तो फिर मतलब करने के बाद सारा, फिर ट्रांसलेशन खोल, कहती ट्रांसलेशन खोलो, मैंने खोल के दिया तो कहती ऐसी बार्गेनिंग मैंने ज़िंदगी में नहीं करी है चाइना में। वो लड़की हमसे खुद कह रही कि ऐसी बार्गेनिंग जैसे आप लोगों ने करी है ना, ऐसी बार्गेनिंग हमने चाइना में मतलब ज़िंदगी में नहीं करी। खैर झूठी बोल रही है, चाइना में हर जगह बार्गेनिंग होने लग रही है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ के लोग करते नहीं, पर हाँ शायद मे भी ऐसी दुकान में जाके ना होती हो। पर फिर हमने कहा यार हमको तो एक्सपेंसिव लग रही है 10,000 रुपये किलो चाय, तो उसने थोड़ी बार्गेनिंग कर ली, हमने कहा चलो खरीद ही लेते हैं। हर चीज़ का मतलब वो नहीं लगा सकते ना, मोल नहीं लगा सकते कोई चीज, मतलब वो भी है कि सिर्फ ट्राई करने के लिए घर वालों को पिलाने के लिए भी ले ली। यहाँ पे हम आ गए एक चाइनीज स्ट्रीट फूड मार्केट टाइप में आ गए, पता नहीं भाई क्या क्या ही मिल रहा है, कुछ भी एक शब्द इंग्लिश का यहाँ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर लिखा है कार्टिंगेल्स कप, और देख लो आपको कोई भी एक भी शब्द इंग्लिश का मिल रहा हो कहीं पे, तो साफ सफाई यहाँ पे भी पूरी है भाई, कितना स्ट्रीट फूड वगैरह हो। इस तरफ अपने ब्रांडेड शोरूम चलने लग रहे हैं, इस तरफ सारा स्ट्रीट फूड का कॉर्नर चलने लग रहा है, और आप ये देखना सारे लोग मेरी तरफ देखते हुए जाएंगे, ये नहीं है कि व्लॉगिंग कर रहा हूँ। चाइना में ना सब घूम रहे हैं, सारी लड़कियाँ घूर रही हैं, सारे लड़के घूरने लग रहे हैं। अरे कहाँ से निकल गया भाई, ये देखो भाई, ओ भाई खोलता हुआ तेल। ये है भाई नरक में पकने वाला तेल, सारी चाइनीज स्ट्रीट फूड है। ये देखो भाई लाल लाल डेकोरेशन इन लोगों की, कितनी सही लगती है ना, ये देखो, ये इनके मतलब ट्रेडिशनल ऐसे ही है, लैंटन वेंटन लगा के रखते हैं, लाल कलर से बहुत प्यारा है भाई चाइना के लोगों को लाल रंग से। ये मैंने आपको शेंजन में भी दिखाया था कि पब्लिक टॉयलेट हर जगह अवेलेबल है भाई चाइना में फ्री ऑफ कॉस्ट, कितनी शानदार पब्लिक टॉयलेट बना रखे देखो, सब कुछ मतलब ऐसा मॉडर्न सा लग रहा है बाहर से देखने में, ये पब्लिक टॉयलेट ना हो किसी होटल की टॉयलेट हो, पर देख लो आप ये यहाँ पे भी स्ट्रीट में भी, ये पूरी स्ट्रीट थी भाई, ये देखो कितनी ज़्यादा चकाचौंध है यहाँ पे, पता नहीं क्या ही क्या लगा रखा है, एक लैंग्वेज का कतरा समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तो कुछ इंग्लिश में लिखा हो तो समझ में आएगा, एक दो जगह फूड बियर वगैरह लिखा है बस, तो पूरा फूड स्टॉल है, और यहाँ पे बाजार है पूरे का पूरा, मेरे को लग रहा है हैप्पी बाजार, और ये समझ अबे बाजार लिखा है हैप्पी बाजार, ये आ गया समझ में, देखो हैप्पी बाजार लिखा था तो समझ में आ गया। चलो इसको विजिट करते हैं फिर कहीं खाने रुकते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे बत्तख लटका रखी हैं, और ये भी चल रही थी सारी की सारी, बस इसलिए कि ये बत्तख का मीट खिला रहे हैं सबको ट्राई करने के लिए। बच्ची ने मना कर दिया मैं नहीं खा रही। ये देखो ये चलने लग गई, ये सारी चीज ना मतलब कुछ खिलौना नहीं है, ये सिर्फ प्रमोशन के लिए इतना सब कर रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे भी भाई एक मार्केट में ना हमको सेम दुकान मिल गई चाय वाली, तो हमने कह दिया हम 60 युआन की 200 ग्राम लाए हैं, कह रहे आप बड़ी सस्ती लेके आ गए ये वो, हम तो नहीं दे सकते। यहाँ पे नेल कटर बोला यार नेल कटर ढूंढ लूँ मैं, मेरे को नेल कटर चाहिए यहाँ पे, और तो खरीदनी नहीं थी हमको, हमने कहा क्या पता है और कम में दे रही हूँ तो हम यहाँ से भी खरीद लेते चाहे वो, पर वो बोली आप पहले ही बहुत सस्ती लेके आ रखे हो। तो इस शॉप में मिल गया भाई अपने को नेल कटर, ये पहले ना ये वाला दिखाया, मैंने कहा भाई सर्जरी करने थोड़ी ना जा रहा हूँ मैं, ये किट विट का क्या करना है,
तो फिर उसने कहा कि छोटे वाला भी है, ये वाला, इसके पीछे 10 RMB रेट है, ये खरीद लेते हैं, दो हैं इसके अंदर। भाई पूरे चाइना में ना पांडा का बड़ा क्रेज है, पता नहीं क्या है। ये ऐसा बैग हमने कल लिया था, इससे छोटा था पर वो आगे से फूला हुआ था, इसके अंदर स्पेस भी ज़्यादा है और थोड़ा बड़ा भी है। ये 30 का दे रहे हैं और अच्छी खासी बड़ी शॉप है यार, हमने तो रोड पे से लिया था। तो चाइना यार सस्ते पे सस्ता, सस्ते पे सस्ता हुए जा रहा है मेरे हिसाब से। बैग तो सही है यार ये, या भाई यहाँ पे पूरे चाइना में यही चलता रहता है। देखो ये बंदा जैसे व्लॉगिंग करने लग रहा है, अपने लाइव जा रखा ही है। यहाँ पे ना लाइव जाने का ज़्यादा क्रेज़ है लोगों में, लाइव चले जाएंगे एक जगह खड़े होके ट्राईपॉड पे लगा के और फिर चलता रहता है। इनका इनका अपना ऐप चलती है, इनका ना यूट्यूब है ना इंस्टाग्राम है, इनका अलग ऐप चलती है। इनका इंस्टाग्राम की जगह कोई और ऐप है और यूट्यूब की जगह जो इनकी ऐप है उसका नाम है बिली बिली, तो शायद बिली बिली पे लाइव जा रखा होगा। वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में भाई यहाँ पे भी वही होने लग गया है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आने लग गए हैं। शेंज़न में भी इन्फ्लुएंसर ही इन्फ्लुएंसर्स हैं, वहाँ पे आपको दिखाया था मैंने स्ट्रीट पे, यहाँ पे भी इन्फ्लुएंसर ही इन्फ्लुएंसर दिखने लग रहे हैं। अब कुछ खाते हैं थोड़ा और फिर और कुछ दिखाता हूँ भाई आपको। तो भाई यहाँ पे आ गए थे मैकडी, हमने खाना वाना तो वैसे खा लिया वहाँ पे बैठ के ऑलरेडी। अरे वो टेबल पे फेंकना भूल गए, उसको फेंक दियो। तो इसमें क्या था, जब शेंज़न में खाया था ना तब तो भाई यहाँ पे इंग्लिश करके ऑर्डर कर दिया और आ गया आपको स्कैन कर लो, आप क्रेडिट कार्ड वीज़ा डेबिट ये सब पे कर दो। पर यहाँ पे ऑप्शन आया वी चैट, अली पे, यूनियन पे और मैकडी का वॉलेट, तो यहाँ पे आपको जाके करना पड़ेगा काउंटर से ऑर्डर। यहाँ पे हो जाएगा काउंटर से भी ऑर्डर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई अब ये देखो ये ATM विड्रॉल का कैबिन है, ठीक है, इस बटन को आप पुश करके रखोगे आप तभी बाहर निकल सकते हो। और अंदर जाने के लिए भी मतलब आप इस बटन को पुश करके रखोगे ना तभी ये गेट खुलेगा आपका। वैसे तो चोरी चकारी का कोई खतरा ही नहीं है, ऐसे लॉक हो जाएगा, लॉक हो गया भाई अभी ये। भाई चाइना में भी ऑफिशियल एप्पल स्टोर्स हैं और ये आज नहीं खुले हैं जैसे कि इंडिया में, तो अभी एक साल ही हुआ है शायद खुले हुए दिल्ली मुंबई, चाइना में काफ़ी पहले से हैं। वैसे भाई काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं चाइना में क्या रेट है, जिस भी देश जाता हूँ पूछते हैं एप्पल फ़ोन का क्या रेट है। भाई मैं सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ एप्पल फ़ोन के रेट ऑफिशियल स्टोर पर पता करने का। अब दुबई की तरह मीना बाज़ार वीना बाज़ार तो मेरे को चाइना का पता नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ एप्पल की। हर देश की एप्पल की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपका हो गया लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही चाइना की, दो चार क्लिक करोगे एप्पल वेबसाइट में इंडिया की खोल लो, इस साइड चाइना की खोल लो, दोनों में जो वहाँ पे क्लिक कर रहे हो वही वहीं पे कर लो, पर आपको रेट वहीं पे पता चल जाएगा। पर चलो चाइना के एप्पल स्टोर के अंदर जाके भी आपको रेट दिखा ही देता हूँ क्योंकि मेरे को फिर भी पता है लोग पूछ रहे हैं कितना रेट है। भाई एंट्री तो गजब बना रखी है, बिल्कुल जैसे न्यूयॉर्क वाले में गया था ना मैं। यार चाइना फुल डेवलप्ड है यार, क्या बताऊँ, अंडरग्राउंड बना रखा है। देखो ऊपर सिर्फ इन्होंने प्रमोशन कर रखी है और सारा ये अंडरग्राउंड है स्टोर इनका। भाई ये रहा प्राइस, आप देख लो इसका कैसे आएगा। अब 15 प्रो का प्राइस है 8000 RMB, 15 प्रो मैक्स का है 10000 RMB, इनटू 11.7 या फिर 12 से मोटा मोटा मल्टीप्लाई कर लो, ये चाइना में रेट है। पर इन फ़ोनों का मैं आपको बताऊंगा थोड़ी दिक्कत हो सकती है नहीं हो सकती मेरे को कंफर्म नहीं पता, खुद ही आके पूछ लेना अगर खरीदना हो, हमको खरीदना नहीं तो इतना पूछ भी नहीं। तो भाई हाँ, तो भाई यहाँ पे हमने पूछा, तो मैं करंट लगा पता नहीं एकदम से, तो भाई यहाँ पे हमने पूछ लिया कि मेरे को ये डाउट था क्योंकि भाई ने जब सिम कार्ड खरीदी थी ना तब वो कह रहे थे कि चाइना की जो सिम आपने खरीद ली हमसे इसमें सिर्फ आपको 4G चलेगा। तो हमने कहा क्यों भाई ऐसा क्यों, चाइना में तो 5G है। तो कहते हैं 5G सिर्फ चलेगा चाइनीज़ फ़ोनों में, तो हमने कहा पंगा हो गया ये। तो फिर मेरे को लगा कि एप्पल वालों में भी यही दिक्कत होगी जो एप्पल चाइना में बनते होंगे मतलब चाइनीज़ लोगों के लिए, पर ये बोली नहीं चलेगा सब कुछ, ग्लोबल वर्जन है हमारा। मेरे को लग रहा है एप्पल ना एक ही फ़ोन बनाता है, उसको बस जो लोकेशन आप डालोगे ना सेटअप करते हैं उसके हिसाब से एप्पल चेंज कर देता है उस चीज़ को। मेरे हिसाब से फोन एक ही बनाता है एप्पल एक ही तरीके का। सेटिंग में जाके साइड में लिखा भी तो होता है वो क्या JN, वो आपको पता है वो तो मॉडल नंबर है ना। नहीं नहीं JN होता है जापान का, HN होता है US का, वो भी सीन होता है वो, पर कंपोनेंट मेरे को लग रहा है एप्पल एक ही जैसे बनाता है सब जगह के, ऐसा नहीं है कि अलग अलग चीजें बनाता है। अरे वो तो मैं पता है मेरे को जो तू कह रहा है हो गया, मतलब हार्डवेयर सेम है वैसे सब कुछ, दो चार चीजें जो होती हैं हर देश के हिसाब से अलग कर देता है। भाई यहाँ देखो पुलिस की गाड़ियाँ कैसी हैं जैसे हमारे वहाँ कचरा उठाने वाली नहीं आती, छोटा हाथी, पीछे की दो सीट हटा दो तो पूरा छोटा हाथी बन जाएगा। ये भी सारी बैटरी ऑपरेटेड है,
ऐसी कोई खतरनाक चेजिंग नहीं होती क्योंकि यहाँ पे वो यहाँ सर जहाँ पे सर्वेलेंस ही इतनी ज़्यादा है, चेज वेज करने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे पुलिस वालों को, चोरों को। ये इनका घंटाघर है, ये देखो भाई इस बिल्डिंग पे लाइट शो चलने लग रहा है, पता नहीं क्या क्या लिखा है ये। भाई आप पहले देखोगे तो यहाँ पे खड़े थे सारे फ्रूट्स वाले, इनको सारे पुलिस वालों ने भगाया और अब यहाँ से लाइन में आके बैठ गए, ऐसे थोड़ी ना बैठते हैं सारे लोग। और अब पुलिस वाले देखो इनके फिर बैंड बजाने लग रहे हैं, तो चाइना में भी ये सब चलता ही है। पर ऐसे मतलब ठेला तो किसी का नहीं उड़ाया, मतलब आराम से आके बोल दिया कि भागो यहाँ से, भागो भागो।